आजकल अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। आजकल धन शक्ति उनकी जन शक्ति पे भारी पड़ती हुई दिख रही है। जन शक्ति से ज्यादा कई बार धन शक्ति का दुरुपयोग हमारे मीडिया शक्ति पे भी हो रहा है। यानी लोग डर और सहमे हुए हैं, डर के वातावरण में और सहमे हुए हैं। तरह तरह की जुमलेबाजी हो रही है, घोषणेबाजी हो रही है, ढकोसलेबाजी हो रही है। लेकिन जब यथार्थ में, अगर यथार्थ में कोई सच्चाई के आधार पे, सिद्धांतों के आधार पे, जो ये मानता है मुझ जैसा आदमी कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं, और उन सिद्धांतों के आधार पे हमने सच कहने की कोशिश की आप जैसे लोगों के साथ साथ, तो लोगों ने एंटी नेशनल देशद्रोही का तकमा देना शुरू किया। आपसे मैं खुद जानना चाहता हूं पैतृक भूमि में कि अगर हमने नोटबंदी के खिलाफ बात की, नोटबंदी के खिलाफ अगर हमने लोगों में जागृति पैदा करने की कोशिश की तो क्या बुरा किया? कभी सोचा जिसने नोटबंदी की, सोचा जरा सा कि रेहड़ी वालों पे, पटरी वालों पे, छोटे छोटे दुकानदारों पे, व्यवसायियों पे, हमारे परिवार पे, हमारे युवा शक्ति पे, हमारे नौजवानों पे, जो डेली वेजेस के वर्कर्स हैं उन पे, और तो और हमारे अपने घर की महिलाएं जो अपने पति या पिता की मर्जी के बगैर मगर अच्छी नीयत से पैसे जमा कर रही थी सालों साल, वो अचानक रातों रात हवा हवाई हो गए। हमने जब आवाज बुलंद की और हमने कहा लोग अपने पैसे के लिए लाइन में लग रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, त्राहिमाम हो रहे हैं, तो हमें चुप कराने की कोशिश की गई। कहा गया आप पार्टी के साथ नहीं है। हमने कहा आपने भी जो काम किया है पार्टी और देश की मर्जी के खिलाफ काम किया है, आपने कोई राय मशवरा नहीं ली किसी से। आप हमें कहते हैं मैं बगावत करता हूं। मैंने कहा अगर सच बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मेरी जवाबदेही जिम्मेदारी आपके साथ है। मैं जनता के द्वारा चुना हुआ हूं और देश में आपके आशीर्वाद से, बहुमत से, आपकी दुआओं से पूरे देश में हाईएस्ट वोट शेयर का मार्जिन लेकर आया हूं। तो क्या मेरा हक नहीं बनता है कि हम अपने परिवार के लिए, वृहद परिवार के लिए, हम अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने देशवासियों के लिए बात करें? अभी नोट बंदी से उभर ही नहीं पाए थे कि कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी कर दिया, ऐसा जीएसटी कर दिया कि लोग त्राहिमाम स्थिति में हो गए। फायदा अगर हुआ तो सबसे ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट का फायदा हुआ। ये व्यापारी देखें, व्यवसायी देखें, कपड़ों के व्यापारी देखें, हमारे गुजरात में भी क्या से क्या नहीं हो गया। राहुल गांधी एक बात बिल्कुल ठीक कहते हैं, वैसे तो हर बात ठीक कहते हैं, पर नोटबंदी के मामले में ये बात बिल्कुल ठीक कही है इन्होंने कि नोटबंदी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है नोटबंदी। आपको बाकी लोग बताएंगे ये नोटबंदी से जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, यंगर जनरेशन है, उनको बताना चाह रहा हूं मैं कि 8 नवंबर को घोषणा हुई, 8 नवंबर को घोषणा हुई नोटबंदी की, और 7 नवंबर को करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए छप गए। उसमें से 1 लाख करोड़ रुपया उसका आज तक हिसाब नहीं मिला कहा गया, और 30,000-20,000 करोड़ रुपया बाकियों में बचा बांटा गया ऐसा लोग कह रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला, सब जगह जमीन खरीदे गए। हमारी अपनी ही पार्टी जो कल तक थी भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी 7-7 स्टार होटल से बढ़ के शायद इतना बड़ा कोई भी ऑफिस नहीं होगा जितना बड़ा उनका ऑफिस है। बिहार में इतने जगह जमीन खरीदे गए हैं, बंगाल में खरीदे गए, हिंदुस्तान में, भोपाल में, इंदौर में, मध्य प्रदेश में, जगह जगह खरीदे गए। ये पैसा शायद वही पैसा है जो नोटबंदी के हवाले से आया। नोटबंदी
अभी मुभर नहीं पाए थे जीएसटी क्या है, यानी नीम पे करेला हो गया नोटबंदी के बाद जीएसटी, और फिर रही सही कसर पूरी कर दी इन लोगों ने राफेल डील में, जिसपे भाई राहुल गांधी आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे, बहुत अच्छा बोलते हैं राफेल डील पे। मैं नहीं कह रहा उनको कि वो दोषी हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि दोषी नहीं है। जब तक आप चंद बातों का, चंद सवालों का जवाब नहीं देंगे, जब तक आप नहीं बताएंगे कि क्यों किसी खास व्यक्ति को ये ठेका, ये डील दिया गया, और वो भी एचएएल की कीमत पे, जो एचएएल ट्राइड एंड टेस्टेड कंपनी है, जितने बड़े बड़े हवाई जहाज बनाए हैं, जिसे एक्सपीरियंस है, जिसने सुखोई बनाया है, MiG बनाया है, उसको नहीं दिया गया, क्यों इस डील में डिफेंस मिनिस्टर को बोर्ड पे नहीं रखा गया, क्यों इस डील में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को जो सच्चे और अच्छे हैं उनको दूर रखा गया। जब तक ऐसे कई सवाल हैं, किसका फायदा किया, क्यों फायदा किया, क्यों इतने हजार करोड़, लाखों करोड़ क्यों कहां कहीं से और दे दिया, कहीं भेज दिया, आप जब तक इन बातों का, इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, तब तक भारत की जनता वही कहेगी जो हमारे राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि चौकीदार, आपने कही दिया चौकीदार, चौकीदार, यही समझ कर रखिए। और उनके उसे बिहार में कहते थेथरई, मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सवालों का जवाब दीजिए, जनता हिसाब चाहती है, ये चुनाव की घड़ी है, चयन की घड़ी है और न्याय की घड़ी है। और न्याय की घड़ी में मैं एक बात कह के आपको अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत के इतिहास में शायद इतना बढ़िया मैनिफेस्टो जो हमारे अपने राहुल गांधी और उनके ब्रिलियंट टीम ने दिया है, जिस तरह से 72,000 रुपए सालाना एक परिवार को, जिससे कि 5 करोड़ डायरेक्टली और 25 करोड़ देश की जनता बिलो पॉवर्टी लाइन, जिस तरह से उनको फायदा होगा, मैं समझता हूं आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। जिस तरह से मनरेगा को मजबूत किया है, जिस तरह से औरतों की सुरक्षा के लिए और औरतों की रिजर्वेशन के लिए जो काम किया है राहुल गांधी और उनकी टीम ने, वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। मैं कहता हूं कितनी अच्छी बातें हुई हैं, और उनका घोषणा संकल्प पत्र, ढकोसला पत्र देख लीजिए, जिन्होंने अहंकार और दंभ में आकर, जिन्होंने तानाशाही, लोकशाही को तानाशाही में बदल दिया, ऐसे लोग क्या कह रहे हैं राहुल गांधी की टीम के लिए और न्याय योजना के लिए कि साहब ये ढकोसला है। अरे वाह, जो तुम अनाउंस करो जुमलेबाजी, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वायदा, 15 लाख का वायदा, किसानों को उचित मूल्य देने का वायदा, तो तुम जो करो वो रासलीला, और राहुल गांधी जो करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। इसीलिए कह रहा हूं इस घड़ी में मैं चाहता हूं कि आप लोग को मार्गदर्शन माझी जी और राहुल गांधी जी दें। इसलिए मैं अपनी बात को विराम देता हुआ यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जब साथ हैं दमखम के साथ, और खासकर युवा शक्ति हमारे साथ है, हमारी महिलाएं हमारे साथ हैं, हमारे किसान हमारे साथ हैं, तो याद रखिए नामुमकिन मुमकिन नहीं, बल्कि नामुमकिन जो वो कहते हैं अब तो उनकी वजह से मुमकिन है, लेकिन हम कहते हैं कि आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब मौत से टकराता है, मौत झुककर सलाम करती है। मैं गया की धरती को प्रणाम करता हुआ और आपके सामने मैं आपसे गुफ्तगू कर सबको समाप्त करता हुआ अब मैं विराम देता हूं, और मैं अब चाहूंगा कि मार्गदर्शन दें हमारे अपने चहेते माझी जी और सबसे ज्यादा देश के चहेते लाडले युवा नेता, भारतीय समाज का, भारतीय कांग्रेस का और देश का वर्तमान और भविष्य का नेता और फेस हमारे अपने राहुल गांधी। जय गया, जय बिहार, जय हिंद।